शहर में रेमडेसिविर ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने काली फीत लगाकर धरना आंदोलन किया। शहर में कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, ऐसे में शहर में ऑक्सीजन अस्पताल बेड और रेमडेसिविर की कमी दिखाई दे रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी शहर में चल रही है, ऐसे में सामान्य जनता को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को शहर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने धरना आंदोलन किया। पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने जिलाधिकारी से मांग की है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी जल्द से जल्द पूरी करे। देखिए कि पिछले 3 दिन से हम लोग रोज सरकार को डिमांड कर रहे हैं कि विदर्भ और नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं आने की वजह से कितने मरेंगे ये मालूम नहीं। कल 50 के लोग मर गए और आगे का तो बोल नहीं सकते क्या होगा। ऑक्सीजन नहीं है, टॉसिक्स इंजेक्शन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, कुछ भी नहीं नागपुर में। और एक तरफ कुछ जिलों में, मैंने कहा था ठाणे जिला है, मुंबई शहर है, हमको उसका आक्षेप नहीं है, उससे 4 फुट ज़्यादा देना चाहिए। अभी तो 2 दिए है एक पेशेंट को, लेकिन यहाँ 2 दिन से इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी नहीं है, लोग मर रहे हैं, एक एक इंजेक्शन के लिए लोग तड़प रहे हैं, रिलेटिव बाहर घूम रहे हैं। तो हम सरकार को रिक्वेस्ट करने आए हैं, सरकार को विनती करते हैं कि जैसा आपने ठाणे, मुंबई, ये पूरे शहरों में एक पेशेंट के पीछे 2-2 इंजेक्शन दिए है, टॉसिक्स इंजेक्शन दिए है, वैसे ही हमारे विदर्भ और नागपुर को देना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आज कलेक्टर के सामने बैठे हुए हैं। सरकार ने इससे दखल लेना चाहिए और 2 घंटे के अंदर सारी दवाइयाँ और ऑक्सीजन नागपुर और विदर्भ को भी चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BC News नागपुर।